हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं मिक्स रोटी, जिसके लिए मैंने चावल का आटा, चने दाल का बेसन ली हूँ। चने दाल को बेसन को आप क्या कीजिएगा, अगर कच्चा बेसन हो तो आप उसको गैस को कम करके आप उसको अच्छे से भून सकते हैं। गैस कम करने पर अच्छे से भुना जाता है। और चावल का आटा मैंने ली हूँ, मक्का का आटा ली हूँ, और उसके बाद चने का दाल और गेहूँ ली हूँ। जैसे देखिए, आप एक कप गेहूँ लिए हैं तो एक एक कप आप चारों आटा ले सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से फ्लेवर आएगा। तो इन सब को मैंने इसमें मैंने डाली हूँ नमक स्वाद अनुसार, और इस सब को अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हूँ। मिक्स करने के बाद इसको देखिए, मैंने पानी डालकर अच्छे से तरहती के मदद से इसको अच्छे से मिलाना है, और एकदम मुलायम सा आटा गूंद के तैयार करना है। और जब तक आपका आटा सॉफ्ट ना होगा तब तक आपका रोटी अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको अच्छे से इसको सॉफ्ट करके, इसको हल्का 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 पानी डाल के इसको अच्छे से आटा गूंद के तैयार करना है। ये देखिए दोस्तों, मैं किस तरह से कैसे मैं तैयार कर रही हूँ आटा गूंद के। तो आप भी अपने घर पे बना सकते हैं, मतलब अच्छे से अच्छे स्वाद ला सकते हैं। इस तरह से रोटी आप बना के, कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्का की रोटी, अगर ये बाजरे रोटी, मक्के की आटा, इन सबको अगर एक साथ मिला के आप कीजिएगा तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। मतलब हर तरह का फ्लेवर आपको तैयार बन के तैयार हो जाएगा, और अच्छा भी लगेगा खाना, लगेगा आपको कुछ जो मैं हट के खा रहा हूँ। तो इस देखिए, तो आपको अच्छा स्वाद लगेगा। तो आप ज़रूर बताइएगा हमको जहाँ हम किस तरह से रेसिपी आपको बताए हैं। तो देखिए, मेरा आटा गून के तैयार कर ली हूँ मैंने, और इधर मैंने तवा चढ़ा दी हूँ और वो गर्म हो रहा है। तो जब मैंने मतलब दोनों हाथ में हल्का सा पानी लगा ली हूँ, और इस तरीके से अंगूठे से और चार उंगलियों के मदद से मैं इसको घुमा रही हूँ, ये देखिए। और बीच में जो मोटापन रहता है उसको दबा देंगे, और दबाने के बाद अपने दोनों हथेली पे इसको अच्छे से साइड साइड से पतला करना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, एकदम से एक से सेम साइज में इसको बना के तैयार करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा से बना रही हूँ मैं। आप भी इस तरीके से घुमा घुमा के बना सकते, मुझे भी नहीं आती थी दोस्तों, मैंने अपने सासू माँ से सीखी हूँ, ये देखिए। क्योंकि अगर मतलब बनाते रहिए तो धीरे धीरे आप भी सीख जाइएगा। ये मतलब ज़्यादा हैवी चीज़ है नहीं, अगर जिसको आ जाता है तो उसको तो लगता नहीं है हैवी चीज़, लेकिन अगर ना आता हो तो वही काम मुश्किल लगती है। लेकिन मुश्किल भी क्या चीज़ है, अगर सीख जाइएगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगती है। तो ये देखिए, मेरा रोटी बन के तैयार हो गया है। तो इसको मैंने तवा पर डाल दी, तो एक तरफ से मेरा सीक भी गया है। ये देखिए कितना सा सुनहरा कलर में आ गया। ठीक है, अब इधर मैंने पलटा ले रही हूँ, इधर भी मेरा सीख गया है। उल्टा पलट मतलब अलट पलट के आप एकदम मीडियम गैस पे आप इसको सेक सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा हो गया। अब इसको मैंने निकाल ले रही हूँ, ये देखिए। आप इसको सरसों के साग में भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग चीज़ दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने 8-9 या फिर 10-12 लहसुन अपने परिवार के हिसाब से लीजिए। तो मैंने लहसुन ले लिए हैं, इसको जिस तावे पे मैंने रोटी बनाई उसी तावे पे मैंने सूखी मिर्च भी ली हूँ, उसी तावे पे सूखी मिर्च और लहसुन दोनों को मैंने फ्राई कर ली हूँ। इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिना तेल पे इसको फ्राई कर लेना है, ये देखिए। और इसको आप जो है सिलबट्टे पे भी नमक डाल के पीस सकते हैं, या फिर आप जिसमें आप मसाला कूटते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों हमको नहीं पता, लेकिन हम इसको मसाला कूटने वाला ही कहते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें नमक डाल के इसको कूट ली हूँ अच्छे से। तो इसके साथ आप खाइएगा तो दोस्तों ऐसा लगेगा जो मैं जन्नत में हूँ, मतलब इतना अच्छा लगता है, क्या बताओ, बहुत सुंदर सा टेस्ट आता है। और इसमें घी डाल दिए हैं। अब इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ जो मैं क्या क्या लेके इसमें खाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने घी लगा के पूरे अच्छे से रोटी में लगा दी हूँ। अब इसको चार टुकड़ा बना रही हूँ, कितना अच्छा से घी लग चुका है आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें जो मैंने कूटी हूँ लहसुन और सूखी मिर्ची जो डाली हूँ वो ले रही हूँ, और इसमें हल्का सा तेल डालूँगी, और प्याज, प्याज खाने में तो इसके साथ मज़ा आ जाता है। और ये मैं हल्का सा सरसों का तेल ले रही हूँ, और इसको अच्छे से मिलाऊँगी।
ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ना, आपको भी खिला रही हूँ दोस्तों, आप भी खा लीजिए। ये देखिए दोस्तों बन के मेरा तैयार हो गया। तो बाय बाय दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा।